लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी दौरान सिवान लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको हम सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कविता सिंह निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रही हैं। वही नॉमिनेशन करने के बाद कविता सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी से भी नहीं है, चुनाव में एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। कविता सिंह ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है, उनकी प्राथमिकता जीत के बाद विकास कार्यों में और गति देना होगा। देखिए और क्या कुछ कहा कविता सिंह ने। हमारी लड़ाई है सिवान में जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ, और सिवान में जो शांति अमन चैन है उसके पक्ष में, और सिवान में जो विकास की लहर है, विकास की धारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश। ऐसे कर दिया काहे मोनू यार। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद अजय सिंह जिंदाबाद, नीतीश मोदी जिंदाबाद, कविता सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान सब कैसा हो, कविता सिंह कैसा हो, किसान सब कैसा हो, जीत गई भाई, जीत गई कविता सिंह जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ। विकास और देश के सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, उन्हीं के साथ पूरा देश आज चल रहा है, और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए के उद्देश्य से हम सब उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि तो एक साथ मिलकर एनडीए के समस्त कार्यकर्ता गण, नेता गण, पूरा सिवान की जनता जनार्दन आज मोदी जी की लहर में लाखों की संख्या में आपके साथ लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने एक मजबूत प्रत्याशी भी खड़ी हैं, हिना शाह जो साबुन की पत्नी है, किससे लड़ाई मांगी? देखिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है सिवान में जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ, और सिवान में जो शांति अमन चैन है उसके पक्ष में, और सिवान में जो विकास की लहर है, विकास की धारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, और माननीय रामविलास पासवान जी उनके सहयोगी हैं, उनके द्वारा पूरे बिहार में जो लहर है, विकास की धारा बहाई जा रही है, हम उनके साथ हैं और अमन चैन शांति के साथ हैं। थैंक यू।